देखिए टेंसेस में ये पार्ट फोर है, इससे पहले भी जो है बता चुके हैं, आप अलग अलग इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को लेकर बता रहे हैं छोटे में शॉर्ट में, बाद में कंपेयर करके पढ़ा देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को एक साथ पढ़ा देंगे। पहले एक एक टॉपिक समझिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, है ना। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ये भी पता है आप लोगों को, है ना। इसकी पहचान हम बार बार बता चुके हैं कि ता है, ती है, ते है, सेंटेंस के आखिरी में लगा होगा, एकदम आखिरी में ये लगा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके तीन पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो पहला पार्ट हम पॉजिटिव अब पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिंपल से स्टेटमेंट हो, सीधा सीधा, ये नहीं कि किसमें नहीं लगाया, जैसे वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, इस तरह के नहीं, सिंपल स्टेटमेंट हो, नहीं और क्या ना लगाओ, सिंपल सा, जैसे वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो खेलता है, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है ये देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल ये साफ साफ सामने लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, भाई जो भी काम को करने वाला इंसान है ना, सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे या वो लिखेंगे जो भी लिखा है, मैं काम करता हूँ तो मैं की इंग्लिश पहले लिखेंगे, राम काम करता है, श्याम काम करता है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या काम करता है वो आएगा सबसे, उसके बाद वर्ब। अब इसमें एक पहचान हमने बताई ट्रिक के तौर पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये, क्योंकि उसके आखिरी में ता है, ती है, ते लगा होता है, तो एक वर्ब पहचानने की ट्रिक ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब उसे कहेंगे जिसके आखिरी में जो वर्ड में ता लगाओ, जैसे वो खेलता है, मान लीजिए लिखा है खेलता है, तो ता किसमें लगा, खेल में, तो खेलता ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है बताने की, तो खेलता क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब उसकी इंग्लिश क्या होती है, प्ले, वो हम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे राम खेलता है तो राम, अब फुटबॉल खेलता है जैसे राम, तो राम प्लेस फुटबॉल, क्यों, फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का चक्कर समझिए। फिफ्थ फॉर्म उसे कहते हैं कि जिसमें एस या ई एस आखिरी में लगा हो किसी वर्ड के, जैसे प्लेज है, प्ले, अगर खाली प्ले लिखा है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर प्ले में एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब प्लेस लगे किसके साथ, ये डिपेंड करता है कि ये फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगी, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगलर हो, काम को करने वाला आदमी एक ही हो, है ना, सिंगलर हो, जैसे वो, ये, वो हो गया, वो माने ही, है ना, इस तरह से जो वर्ड होते हैं, जैसे राम, श्याम, कोई लड़का है या कोई कैट है, बिल्ली कूदती है, ठीक है। तो इस तरह से जो सिंगलर होगा उसके साथ जो है आखिरी में एस लगेगा वर्ब में, ठीक है, ये भी एक बात है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम हो रहा है, जैसे नाउन, जो नाउन कह सकते हैं, जैसे वो फुटबॉल खेलता है तो ही हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद खेलने की इंग्लिश लिखेंगे तुरंत, फुटबॉल की नहीं लिखेंगे, खेलने को इंग्लिश में ता है, खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, प्ले में एस लगेगा क्योंकि वो सिंगलर है, फिर क्या खेलता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म में डिफरेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लिए जिसको कन्फ्यूज़न हो। फर्स्ट फॉर्म उसे कहते हैं जो सिंपल सा हो, उसमें एस ना लगा हो, जिसमें एस लगा होता है वो फिफ्थ फॉर्म होती है। अच्छा, जो वर्ड आखिरी में ओ पे एंड होते हैं, जिसकी आवाज़ ओ पे एंड हो, गो, तो उसमें ई एस लगेगा, उसमें खाली एस नहीं लगता है, तो ये खुद ही आ जाएगा करते करते किसमें एस लगता है, किसमें ई एस लगता है, ठीक है। जरा प्ले है, रन से प्लेस हो जाएगा ना, अब ये समझ गए होंगे। अब हमने कुछ चीज़ें ये हम बताई हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जैसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म समझिए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि यही होती है, यानी ये सब सिंगलर सब्जेक्ट के साथ लगेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगलर है तो उनके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, यानी है ना। अगर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि काम को करने वाले एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद हमने इसमें एक सेंटेंस लेके बताया है, जैसे वो क्रिकेट खेलता है, क्या है सेंटेंस इसको समझें, वो क्रिकेट खेलता है, इसमें काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम को करने वाला, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है। खेलता का क्या कहते हैं, प्ले, खेलता क्या होता है, प्ले होता है, ठीक है। सब हमने कहा कि वो पहले, देखिए ये हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, तो ये वो के बाद क्रिकेट लिखा है तो क्रिकेट की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, वो के बाद डायरेक्ट हम वर्ब पे चले जाएंगे, समझ में आ रही बात। तो वर्ब क्या है, जिसमें आखिरी में ता लगा हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में पहचान के लिए वो वर्ब है, ठीक है। अब देखिए, तो समझ में आ रही होगी बात, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, खेलता हमारा वर्ब हो गया, वो की इंग्लिश हमने ही लिख दी, खेलता को कहते हैं प्ले। अब देखिए प्ले में एस क्यों लगा, क्योंकि ये ही हमारा सिंगलर है,
जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं, या तो एस लगता है या ईएस लगता है। अब क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वो लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको जो है रूल में दिखाया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल में लिखा है कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट, फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ। अब ये याद रखिए कि प्लूरल जो होते हैं ये वर्ड प्लूरल होते हैं, आई वी यू दे प्लूरल माने जाते हैं। तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, ठीक है तो अकेला आदमी, लेकिन इसको प्लूरल माना जाएगा, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, अब आई के बाद मैं खाता हूँ अगर खाली है तो आई खाता को इंग्लिश में कहते हैं ईट, ईट में एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आई प्लूरल है। अब मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो मैं, ये हो गया। अब वर्ब, यही खाता वर्ब है, तो पहले वर्ब लिखा आई ईट, फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट खाना, फूड। ठीक है, याला खाने को इंग्लिश में फूड कहते हैं, खाता को इंग्लिश में ईट कहते हैं। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अब क्योंकि आई प्लूरल माना जाता है तो इसलिए ईट में एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेंटेंस था। इस तरह से और भी सेंटेंसेस आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस होता वो खाना खाता है, मान ली सेंटेंस होता वो खाना खाता है, क्या होता है, वो खाना खाता है, खाना खाता है, इसका क्या होगा। अब वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वो को इंग्लिश में कहते हैं ही, लोग कहते हैं ही माने लड़का होता है। तो ही अगर यहाँ पे वो खाना खाती होता तो यहाँ पे शी हो जाता। ठीक है, बस ये वो शी और ही लड़कों या लड़कियों के लिए लगता है, लेकिन इसका मतलब वो होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ही अब खाता वर्ब है ना, खाते को क्या कहते हैं, ईट। अब बताइए ईट में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, ही अकेला है ना, ही ईट्स फूड। बहुत से लोगों को डाउट हो रहा होगा कब लगेगा, तो सिंगुलर में ही शी ईट थे सिंगुलर होते हैं, अब प्लूरल में अगर यहाँ पे वो की जगह आई मैं होता, हम होते, वे होते, तो यहाँ पे एस ना लगता, यानी कि आई वी और दे और यू, इन इन चारों में से कुछ भी होगा तो इनके साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।